अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एनसीओसी का मीटिंग जारी है, अहम फैसले सामने आ रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में छुट्टियों के हवाले से अहम डिसीजन सामने आ रही है। इंशाल्लाह जैसी ही मीटिंग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आएगी, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त पंजाब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने एक अहम तजवीज़ पेश किया है कि तालीमी इदारों को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बंद किया जाए, जबकि वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एनसीओसी की मीटिंग में इस फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं किया है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि सर्दी सख्त है, इसलिए 20 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक तालीमी इदारों को बंद कर दी जाए। अभी मीटिंग जारी है, इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में एनसीओसी का मीटिंग वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत मीटिंग जारी है। इंशाल्लाह कुछ ही वक्फे में आपको हम ऐसी ही अपडेट, इंशाल्लाह एक ख़त्मी फैसला आज होने वाला है, आप हमारे साथ रहें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सर कासिम की एजुकेशन स्टूडियो को एजुकेशन अपडेट के लिए लम्हा ब लम्हा, इसी तरह वैलिड और रियल न्यूज़ के लिए एजुकेशन स्टूडियो कासिम की टीके को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जैसी ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमें मौसूल होगी, हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।